अच्छा है उसको घर में भेज देने के लिए एक टेंट का बंदोबस्त। देखिए बंगाल से बहुत ज्यादा है और 13 लाख से भी होगा लगे बेंगलोर से भी हो सकता है, उड़ीसा भी हो सकता है। करमंडल एक्सप्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस। मेरे को जो जानकारी है, मैं रेल मिनिस्टर में 3 दफे काम किया, मैं जो देखा अभी तक रेलवे में एक 20 शताब्दी का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। 1981 में और एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था बिहार में, हमारे टाइम में भी माओइस्ट एक इंसिडेंट बनाया था, वो हम सीआईडी को दे दिया, आज तक कुछ फल नहीं मिला। बात यही है कि रेलवे का सेफ्टी कमीशन है, जब रेलवे का ऐसा इंसिडेंट है होता है तो रेलवे सेफ्टी कमीशन को दे देता है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देते हैं। था मैंने एंटी कॉल्यूशन डिवाइस तैयार किया था, मैं खुद हम मडगांव में गया था गोवा में, तब से रेल का इंसिडेंट कम गया था एक्सीडेंट एकदम। वो ऐसा है एंटी कॉल्यूशन डिवाइस कि दो एक लाइन में दो ट्रेन आ जाएगा तो उसमें रुक जाएगा, अगर कोई ट्रेन सामने पड़ा है तो रुक जाएगा, अगर कोई कुछ भी हो सकता है एंटी कॉल्यूशन डिवाइस डाइवर्स हो जाएगा तो उसको अलर्ट करेगा। लेकिन मैं जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहने चाहूंगा, आप देख लीजिए इसमें एंटी कॉल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे का जानकारी है, अगर एंटी कॉल्यूशन डिवाइस लगाता था तो ये इंसिडेंट नहीं होता। अगर जो हो गया है जिसका प्राण चला गया है उसको तो जिंदगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन अभी हमारा काम है रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मलसी। जो परिवार मर गया हर परिवार और को नौकरी दिया था, रेलवे का एक सिस्टम है कोई इंसिडेंट होने से 15 लाख रुपया करके देता है, एक 10 देता है अभी 10 देता है। हॉट स्टेट का जो अभी मर गया हॉट स्टेट तो उसको मदद करेगा, फिर हमारा स्टेट से ज्यादा है, हम भी वो परिवार को हमारा स्टेट का जो है 5 लाख करके हम देंगे। और रेली अग्रेलक के साथ गवर्नमेंट का साथ उड़ीसा गवर्नमेंट का साथ कोऑपरेशन करके रेलवे का साथ हम पूरा काम करेंगे जब तक काम खत्म नहीं होगा। हमने भी 70 एम्बुलेंस आज भेजा, कल भी 40 भेजा था, हमारा 40 डॉक्टर इधर में पूछ चुका है काम कर रहा है, हमारा सिस्टर भी काम कर रहा है, और हम 2 बस भेजा था उसमें जो थोड़ा सा इंजर्ड है वो बंगाल में वापस चला गया। और हम रेल को भी कहने चाहूंगे कि अगर दो कैसे जाएगा, अभी तो इसमें रास्ता क्लियर नहीं होने से नहीं होगा।